मैं अंकुर सक्सेना आपका होस्ट एंड दोस्त आया हूँ गढ़ मुक्तेश्वर धीरज सर के फार्म पर, जहाँ पे मैंने शिकारी कुत्तों की एक ब्रीड देखी जिसका नाम है रामपुर हाउंड, और जिसके ऊपर धीरज सर काफ़ी टाइम से काफ़ी टाइम से इस पे काम कर रहे हैं, और उसके बारे में ये आपको कुछ जानकारी देंगे। धीरज सर, आप अपने बारे में कुछ जानकारी अपने बारे में बताएं, कैसे आपका शौक हुआ, कैसे आपने रामपुर हाउंड के बारे में पढ़ा और कैसे आपने इसके बारे में इतना एक्सपीरियंस हासिल किया। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये रामपुर हाउंड ब्रीड जो है इंडियन ब्रीड है और काफ़ी पुरानी ब्रीड है। 19 सेंचुरी में रामपुर के एक नवाब ने इसको इंग्लिश ग्रे हाउंड और अफगानी ताजी से क्रॉस करके बनाया था। तो उसके अगर बैकग्राउंड की मैं बात करता हूँ, तो नवाब साहब जब शिकार करने जाया करते थे तो वो इंग्लिश ग्रे हाउंड को पालते थे, लेकिन इंग्लिश ग्रे हाउंड क्योंकि हमारे क्लाइमेट में पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाता था, कभी कभी बीमार हो जाता था, तो नवाब साहब ने सोचा कि कोई ऐसी ब्रीड बनाई जाए जो इतनी स्ट्रांग हो, जो हमारे गर्मियों के मौसम में अच्छे तरीके से रह पाए। तो इस वजह से उन्होंने इंग्लिश ग्रे हाउंड और अफगानी ताजी, जो कि दोनों ही बहुत अच्छे हंटिंग डॉग्स हैं, तो उन्होंने दोनों को क्रॉस किया, तो एक अलग ही टाइप की ब्रीड बनी जिसको रामपुर हाउंड बोलते हैं हम लोग। और ये नॉर्दर्न यूपी में पाई जाती है, रामपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें लोग पालते हैं इसको और शिकार के लिए यूज़ करते हैं। और इस डॉग की खासियत क्या है कि ये इंग्लिश ग्रे हाउंड से भी स्ट्रांग और ऊंची है, क्योंकि जिस ब्रीड से क्रॉस हुआ है इसका ताजी ब्रीड से, वो ताजी ब्रीड भी बहुत अच्छी हंटिंग डॉग बोली जाती है, बस अंतर ही होता है वो थोड़ी छोटी होती है हाइट में। तो इस तरीके से इंडिया में हमारे शुरुआत हुई। और काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे हमारे मेरे गुरुजी हैं इरशाद अली जी, तो वो काफ़ी टाइम से इस ब्रीड के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी जगह पर उन्होंने रजिस्टर्ड भी करा लिया। तो इंडियन ब्रीड में वन ऑफ द ब्रीड है जो कि KCI रजिस्टर्ड भी है। और इस ब्रीड की जो सबसे स्पेशल चीज़ है कि वैसे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। जैसे दिन भर ये मेहनत करती रहेगी, आपके फार्म पे दौड़ती रहेगी, लेकिन एनर्जी इसमें इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल भी थकते नहीं है ये। और बीमारी वगैरह की बात करूँ तो नॉमिनल जो नॉर्मल डॉग्स को होती हैं बीमारियाँ, उससे काफ़ी कम बीमारी होती है इसके अंदर। गर्मी के लिए पूरी सूटेबल डॉग ब्रीड है, बट इसका जैसे कोट काफ़ी हल्का होता है, तो इस वजह से जाड़ों में हमें थोड़ा इनके लिए ध्यान रखना पड़ता, हीटर लगा दिया और तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। सो धीरज सर, ये पूरी इंडियन ब्रीड है, चीज़ बताइए, हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा टाइप की ब्रीड पाई जाती हैं, जैसे रॉटवीलर हुआ, जर्मन शेफर्ड हुआ, काफ़ी टाइप की अलग अलग हैं, इवन इंग्लिश हाउंड्स भी होते हैं कई टाइप के, तो लोग उनको छोड़ के इस ब्रीड के ऊपर क्यों आए, और वो एज ए फर्स्ट डॉग लवर मतलब फर्स्ट ओनर वो क्यों इसको लेना चाहें और अडॉप्ट करना चाहें? तो एक्चुअली इंडिया में अगर आप देखो तो बहुत सारी ब्रीड्स हैं जो कि इंडिया के बाहर से आई हुई ब्रीड्स हैं, तो उसमें से एक जर्मन शेफर्ड है, हस्की है और रॉटवीलर है, डॉबरमैन है, बट लेकिन ये जो ब्रीड है उसका बेस्ट पार्ट ये है कि क्योंकि ये इंडिया में ही डेवलप हुई है और इंडिया के क्लाइमेट में पूरी तरीके से एडजस्ट कर चुकी है। बाकी डॉग्स भी कर चुके हैं, बट उनमें सब में कुछ ना कुछ हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स हैं। बट अगर रामपुर हाउंड की बात मैं बात करूं, तो इस डॉग में कहीं से भी कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम नहीं है। तो हेरिडिटरी प्रॉब्लम नहीं होने से क्या होता है कि जो भी डॉग लवर्स हैं जब वो पालते हैं तो उनको ये नहीं है कि रोज रोज डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम भी हैं तो हम क्या करते हैं कि साल में एक बार सिर्फ रेबीज इंजेक्शन लगवाते हैं, इसके अलावा कोई बीमारी दिखती नहीं है। हाँ, कई बार स्किन इन्फेक्शन हो जाता है जब गीले उले में डॉग रह जाता है, कभी गीला हो गया, सूख नहीं पाया ठीक से, तो स्किन इन्फेक्शन हो गया, वो हार्डली एक दो स्प्रे करो और थोड़ी सी क्रीम व्रीम लगा दो तो वो ठीक हो जाते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो जितना हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से इनमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, अब जैसे बात करते हैं डॉबरमैन की या फिर आपके रॉटवीलर की, जर्मन शेफर्ड की, सो वो बेसिकली आपके गार्ड डॉग है, ये हंटिंग डॉग। तो अंतर क्या होता है कि जनरली जब हम फार्म वगैरह रखते हैं अपना, तो वो होता है इंटीरियर में जाके, इंटीरियर में नील गाय है, सुअर है, सियार है, ये इस टाइप के जानवर बहुत आते हैं, ठीक है। इवन लेपर्ड भी आता है काफी सारे फार्म पे,
लेकिन इन डॉग्स की खासियत यह है कि ये एनिमल्स के लिए बिल्कुल ही अटैक कर देते हैं एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमंस के लिए काफी सॉफ्ट रहते हैं। लेकिन अब वही वाली बात है कि डॉग के पालने में भी अंतर होता है। जब आप डॉग पाल रहे हैं तो शुरू में आप अगर सोशलाइज करा देंगे तो ह्यूमंस के ऊपर उतना अटैकिंग नहीं होगा, बट एनिमल्स पे तो पूरी तरीके से अटैक करता है क्योंकि उसका नेचर, बेसिक नेचर हंटिंग डॉग है। तो अगर मैं बात फाइनल बात करूं तो ये है कि इनकी बीमारियां वगैरह बहुत कम है, पैसा ही नहीं लगता मेंटेनेंस में, सिर्फ इनको आप खाना दीजिए दो टाइम, उसके अलावा और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। सो धीरज सर, जैसे हमने देखा है कि आपने बोला जैसे अपने फार्म में हम रख सकते हैं और ये हमको बहुत ज्यादा मतलब जो बाहर के बाहरी जो जानवर हैं उनसे बचाएंगे, लेकिन अगर कोई मेरा डॉग लवर इनको पालना चाहे अपने घर के लिए, आजकल आप जानते हैं कि हमारे यहाँ लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पे इनका नेचर कैसा रहता है? ये एग्रेसिव होते हैं बच्चों के लिए या ये फैमिली में अच्छे से रह सकते हैं? ये तो बहुत फ्रेंडली डॉग है। अच्छा, बच्चों के टूवर्ड्स इसका जो बिहेवियर है बिल्कुल ही अलग होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये, और ऐसा नहीं है कि कभी किसी पे अटैक करे। फ्लैट वगैरह में रहने के लिए, क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक डॉग है, क्योंकि हंटिंग डॉग है, तो इस वजह से हमें ये करना पड़ता है इनको कि दो बार रेगुलरली वॉक कराने से तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फ्लैट में भी रखा जा सकता है इनको, वो अडॉप्ट कर जाता है। अगर आप बड़े पे रखें, अगर मैं ले जाके अपने डॉग्स को फ्लैट में रख लूँ तो इन्हें दिक्कत होगी, लेकिन अगर शुरू से कोई डॉग रहता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर आप ये बताएं हमको कि जैसे ये डॉग है इनकी क्या हाइट होती है, कैसा वेट रहता है, और इनको खाने में क्या क्या दिया जा सकता है, जो कि हम बाकी डॉग को देते हैं वो नॉर्मल खाना ये भी खा सकते हैं, इनकी तबीयत का, इनको एलर्जिक रहते हैं किसी चीज़ से, मतलब ये इंडियन क्लाइमेट में कैसे सर्वाइव करते हैं? देखो अगर जहाँ तक हाइट की बात करता हूँ तो 24 से लेकर 30 इंच का बोला, काफ़ी अच्छी है। हाँ, तो अब ये अगर इतनी हाइट है और इसका जो वेट होता है वो 30 से 32 केजी तक का होता है, पर लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जब आपने बच्चा पाला उसके बारे में कैसे देखभाल हुई, इसके ऊपर थोड़ा सा हाइट में अंतर आ जाता है, और बाकी थोड़ा सा अंतर ये भी होता है कि किस टाइप के पेरेंट्स हैं इनके, तो उसके हेरिडिटरी है, तो ये तो बिल्कुल जैसे ह्यूमंस का होता है वैसे ही इनके भी जीन्स उसी हिसाब से चलते हैं। Okay. और एलर्जी की बात है तो एलर्जी में तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं, बस ये कोई भी डॉग हो तो आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने उसको नहलाया, गीला करके छोड़ दिया तो फिर उसको स्किन इन्फेक्शन होगा। ओके, तो इनके जैसे बाल झड़ते हैं, जैसे हमने देखा है कि साल में एक बार कुत्ते के बाल झड़ते हैं नॉर्मली, हमने देखा है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, हम जैसे देखते हैं हम जर्मन शेफर्ड हुआ, या कोई कोई डॉग्स होते हैं जिनके काफ़ी बड़े बाल होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शेडिंग होती है, और अगर कोई अपार्टमेंट में पालना चाहे, अपने घर में पालना चाहे तो उसके पूरे घर में बाल बाल होते हैं, तो इनके शेडिंग का क्या होता है, इनके बाल के काफ़ी शेड करते हैं इनका? एक्चुअली पहली बात तो ये है कि इनका कोट काफ़ी छोटा होता है। हाँ, और ये पूरे साल भर ही बाल अपने चेंज करते रहते हैं, लेकिन कोट इतना छोटा है और अगर अच्छे से आप ग्रूमिंग करें डेली, आप 5 से 10 मिनट के बीच में एक बार ब्रश से लेकिन की ग्रूमिंग करेंगे तो एक ही जगह पे बाल झड़ेंगे। ओके, ये इनकी बात नहीं है, बट हाँ ये बात है कि ये डॉग्स जो हैं बाकी डॉग्स के कंपैरिजन में इनके बाल छोटे होते हैं तो कम दिखाई देते हैं, तो उसकी परेशानी थोड़ी कम रहती है, कम रहती है परेशानी। अच्छा, ठीक है धीरज जी, और इनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है? हाईली इंटेलिजेंस डॉग है। अच्छा, ओके ओके, तो और इजीली ट्रेन भी हो जाता है, बट क्योंकि ये हंटिंग डॉग है तो उस वजह से क्या होता है कि कई बार ये किसी और एनिमल को देख के भागने की कोशिश करता है। अगर आप लेकिन शुरू, इसीलिए इनकी ट्रेनिंग जो है शुरू में बेसिक उनको एटिकेट सिखाने हैं कि अपने जो उनका ओनर है उसकी बात को कहना माने, उसके कहने के हिसाब से चले, स्टॉप तो स्टॉप, स्टार्ट तो स्टार्ट, तो ये सब बहुत बेसिक कमांड्स हैं जो इनको सिखाने होते हैं, और बाकी इजीली ट्रेन हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है धीरज जी, हमने सर ये बताइए कि जो हमारे डॉग लवर्स हैं जब इनको पालते हैं तो वो देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा, कभी कभी देखते हैं कि डॉग्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और मतलब घर के फैमिली मेम्बर्स को भी काट लेते हैं, तो इनका जो नेचर है ये कैसा है घर के पालने के लिए? घर वालों के लिए तो बहुत ही फ्रेंडली नेचर है इनका, और
कभी भी ऐसा नहीं करता ये डॉग की किसी फैमिली मेंबर को काट ले। और स्ट्रेंजर्स के साथ भी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी को एकदम से अटैक कर दे, फाड़ फूड दे, उस टाइप का नहीं है उसका नेचर। जैसे अभी रिसेंटली हम सुन रहे हैं ना कि पिटबुल ने ऐसा कर दिया, रॉटवीलर ने ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है इस नेचर के अंदर। क्योंकि स्ट्रेंजर्स भी थोड़ा दूर रहते हैं क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, दांत बहुत शार्प हैं इसके, सीशॉ शेप में होते हैं इनके दांत, तो इस वजह से स्ट्रेंजर भी थोड़ा दूर रहते हैं। लेकिन अब वही होता है कि डॉग्स को आप जब पालते हैं तो अगर हमेशा आप उसको चेन में डाल के रखेंगे, एक साइड में पड़ा रहेगा, तो उसका नेचर बहुत अलग हो जाएगा। बेसिकली उसको अकेला नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा उसको फ्रेंडली रखना है। बिल्कुल, तो फैमिली के जैसे जैसे आप ध्यान रखेंगे अपने डॉग्स का तो ऐसा वो करना। अच्छा, और जैसे हम ये देखते हैं कि ये एक बार में कितने बच्चे देते हैं? जैसे 6 से 9 बच्चों के बीच में इनका एक लीटर होता है। अच्छा अच्छा, और 6 के 6 बच्चे 6-7 अच्छा। बच्चे तो उसमें सभी ठीक रहते हैं। अच्छा। बस डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, बच्चे अच्छे से आ जाते हैं। ओके, और इनकी अवेलेबिलिटी कैसे है इंडिया में, ये अवेलेबल है कहाँ? तो हम लोग तो यही कोशिश कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया में ये मिलने शुरू हो जाए, काफी लोगों के पास हैं। जैसे अभी हमारे तो आप बेसिकली प्रमोट कर रहे हैं इस ब्रीड को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस ब्रीड को पॉपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे नॉर्थ में एक अकेली ब्रीड है जिस तरीके से इसको हम कोशिश कर रहे हैं, बट साउथ में देखें तो बहुत सारी ब्रीड्स हैं। तो उसमें तो काफ़ी काम किया है लोगों ने, बट हमारे यहाँ इस पर काम ही नहीं हुआ, तो इस वजह से बहुत लिमिटेड सिटीज़ में ही है ये। अभी करीबन 15-20 साल से शायद जी इतना मेहनत कर रहे हैं कि वो प्रमोट हो जाए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तक वो साउथ में भेजें इसको, तो इससे उनको और कुछ अलग मालूम चले कि क्या चीज़ है। तो सर, मैं भी जो आपके पास आया उसका रीज़न यही था कि मैंने इरशाद जी के बाद आपका ही नाम सुना है इस ब्रीड के प्रति, जितना आपको एक्सपीरियंस है और आपका प्यार इन डॉग्स के लिए बहुत ही अच्छा है, मैंने देखा है आपके बाकी वीडियोज़ की। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, अभी आपके पास कितने डॉग्स हैं अभी, और कोई बच्चे हैं, और अगर किसी हमारे भाइयों को लेना हो तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कहाँ से आप अवेलेबल करा सकते हैं उनको? तो देखिए, मैं तो जनरली ऐसा ही करता हूँ कि हम तो ब्रीडिंग का काम करते नहीं, हमने अपनी डॉग की सेफ्टी के लिए, फार्म की सेफ्टी के लिए ही हमने डॉग पाल रखे हैं। तो जब इनके बच्चे होते हैं नेचुरल तरीके से होते हैं, कभी हम केज में डाल के नहीं छोड़ते हैं, इनका क्रॉस हो जाए, जब उनकी मर्जी होती है तब वही हमारे यहाँ बच्चे होते हैं। तो अभी हमारे पास 3 डॉग्स थे, तो उनमें से 3 में से 2 रखे हैं। ओके, तो बाकी एक को हमने दे दिया अपने दोस्त के पास में, तो ब्रीडिंग के लिए लेके गए। बाकी 2 डॉग्स हैं जो कि हम कभी उनको छोड़ते नहीं क्योंकि उनका नेचर थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। ये तो इंडिविजुअल डॉग्स पे भी डिपेंड करता है, कुछ डॉग्स होते हैं वो कहीं भी रह लेते हैं, कुछ भी हो जाता है खाना खा लेते हैं, लेकिन ये हमारे दोनों डॉग्स जो है वो खाना छोड़ देते हैं अगर कुछ भी उनको इधर उधर होता है। अब या तो थोड़ा सा पैंपरिंग ज़्यादा हुई है इनकी। ओके, तो अभी हमारे पास बच्चे हुए थे तो टोटल 7 बच्चे हुए थे, तो अब हमारे पास जो बच्चे हैं सेल के लिए वो 3 बच्चे पड़े बच्चे। ओके, तो हमारे भाई लोग ले सकते हैं, आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके ले लिए। सकते हैं। और जहाँ तक इसकी बात है, अवेलेबिलिटी की, कास्टिंग की बात आती है, तो ये जो डॉग्स हैं ये लोग तो 3,000 रुपये में भी दे देते हैं। ओके ओके, तो अब डिपेंड करती है इसकी कॉस्टिंग जो है। वैसे अच्छा डॉग अगर लेने जाए आप जो प्योर ब्रीड का हो, तो 15,000 से 20,000 के बीच में ही आपको मिलेगा। हाँ जी, तो 3,000 से 4,000 रुपए में जो डॉग आपको दे रहा है वो किसी ना कहीं उसकी लाइन जो है उसमें क्रॉस हुआ होगा। हाँ जी, तो बेसिकली आप बोलना चाहते हैं कि आपकी ब्रीड बहुत काफ़ी सुपीरियर है और प्योर ब्रीड है। बिल्कुल, हमारे प्योर ब्रीड है और हमने तो काफ़ी महंगे लिए थे। हाँ जी, तो हमने तो करीबन हमारा 70-80,000 के बीच में खर्चा आया था इन 3 डॉग्स को लेने में। ओके, बट हम उतना महंगा तो नहीं सेल करते हैं, तो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हो प्रमोट हो जाए। ओके, तो हमारे डॉग लवर्स आपको कॉल कर सकते हैं, मैं आपका नंबर अपने वीडियो में दूंगा, ठीक है? बिल्कुल, आप दे सकते हैं। ओके, ताकि वो आपको कॉन्टैक्ट कर पाएं, कैसी भी जानकारी है आप उनको प्रोवाइड करा दीजिएगा। बिल्कुल, हम तो बहुत प्यार से रखते हैं अपने बच्चों को, और इवन जो लास्ट ईयर बच्चे हुए थे उनके लोगों से भी मेरा कांटेक्ट है, वो लोग भी मेरे को फोटो शेयर करते रहते हैं। नमस्कार धीरज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। नमस्कार दोस्तों, भाइयों, बहनों।